दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 128 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइज यह एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो फिर इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। हमारा यह एपिसोड भी में से शुरू होता है जहाँ जैसे ही लिटिल स्नो एम्प्रेस युहाओ की बॉडी से बाहर निकलती है तो ये पूरा रूम स्नो में ढक जाता है और लिटिल स्नो एम्प्रेस अपनी ई आया भाषा में बोलती है, पापा ये दोनों कौन है, तो इन्हें मारो। तो युहाओ इसे समझाते हुए कहता है, स्नो एम्प्रेस ऐसे मत करो, ये बुरे लोग नहीं है और देखो तो तुमने क्या कर दिया, पूरा रूम खराब हो गया है अब। और फिर युहाओ धीरे से इससे कहता है, अब अंकल दामिंग और अंकल आमिंग हम दोनों पर काफी गुस्सा होंगे। और युहाओ की इस बात को सुन के हमारी मासूम सी लिटिल स्नो एम्प्रेस कहती है, यह मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और इतनी क्यूट लिटिल स्नो एम्प्रेस को देख के आमिंग का दिल एकदम पिघल सा जाता है और कहता है, ओ ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर युहाओ के ऊपर गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाओ आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यह अब भी कितनी इतनी छोटी है। तो इनके गुस्से को देख के युहाओ भी हैरान होता है और कहता है कि मैं आखिर मैंने क्या कर दिया। और क्योंकि युहाओ ने इस लिटिल गर्ल को स्नो एम्प्रेस कहा था तो आमिंग इससे कहता है, लिटिल स्नो एम्प्रेस काफी अच्छी और प्यारी है, युहाओ तुम ही हो यहाँ पर जो बुरा है, क्यों मैंने सही कहा ना लिटिल स्नो एम्प्रेस। और इस चीज को सुन के हमारी लिटिल क्यूटी आमिंग को बर्फ में पूरी तरीके से जमा देती है और इसे ऐसा करता देख युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओ कहता है, हे स्नो एम्प्रेस ये तुमने क्या कर दिया, अंकल आमिंग क्या आप ठीक है। और हम देखते हैं कि आमिंग बड़े ही आराम से इस बर्फ को तोड़ के अपने आप को फ्री कर लेता है। और इस चीज को देख के युहाओ अभी राहत की सांस लेते हुए कहता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था और मैं महसूस कर सकता हूँ कि स्नो एम्प्रेस की आइस पावर्स ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा है। और जहाँ तक है इसकी पावर लेवल 50 के बराबर तक होनी चाहिए और ये तो उतनी भी नहीं है, जिससे कि अंकल आमिंग को नुकसान भी पहुँचे। और आमिंग वापस से काफी प्यार से कहता है, लिटिल क्यूटी मेरे पास तुम्हारे प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं है, तो फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों हो। और युहाओ कहता है, इन दोनों अंकल्स का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। और अंकल दामिंग आमिंग की बात के जवाब देते हुए कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि तुम डरावने दिखते हो। तो आमिंग चिढ़ते हुए कहता है, ओल्डर ब्रदर हम दोनों ही एक जैसे देखते हैं, तो फिर हमें लड़ना ही क्यों है। और युहाओ कहता है, लेकिन स्नो एम्प्रेस तुम तो ज्यादा ही शरारती हो। और जब स्नो एम्प्रेस युहाओ के पास खेल रही होती है तब युहाओ कहता है, असल में स्नो एम्परर के पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन वैसे तो ये सॉफ्ट और वर्म महसूस होती है, लेकिन इंसानों के जैसे इसके पास कोई सॉलिड शेप नहीं है और यह ऐसी है जैसे कि कोई चीज एनर्जी स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में होती है। और आमिंग कहता है, क्या ये छोटी सी चीज सोल बीस्ट है। तो युहाओ कहता है, हाँ यह वही हेवनली स्नो एम्प्रेस है जिसने अर्थी और हेवनली एनर्जीज की मदद से पुनः जन्म लिया है। और हेवनली स्नो एम्प्रेस का सुनकर आमिंग काफी ज्यादा शौक होता है और यह हैरान होते हुए कहता है, क्या यह उन 10 पावरफुल बीस्ट में से एक है जो कि 7 लाख सालों तक जिंदा रह पाई थी। हे भगवान आखिर यह ऐसी कैसी हो गई। और युहाओ मन में कहता है, देख के ऐसे लगता है कि स्नो एम्प्रेस के इस सीक्रेट को मैं अब और छिपा के नहीं रख सकता हूँ, लेकिन इस घटना के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये दोनों ही अंकल्स भरोसेमंद हैं। और तभी कुछ लिटिल प्रिंसेस कहती है। तो युहाओ कहता है, क्या तुम वापस लौट के जाना चाहती हो और जाके अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती हो। और फिर स्नो एम्प्रेस तुरंत ही युहाओ की बॉडी के अंदर चली जाती है और इसके अंदर जाते ही युहाओ की 2 सोल रिंग्स बाहर निकल के आ जाती है। और युहाओ तो हैरान होता है, लेकिन आमिंग रोने लगता है और यह कहता है, लिटिल स्नो एम्प्रेस तो एक सोल रिंग बन गई है, लेकिन क्या यह वापस से पहले जैसे बदल सकती है। और फिर ये लिटिल स्नो एम्प्रेस कहते हुए रोने लगते हैं और तभी लिटिल स्नो एम्प्रेस उन सोल रिंग्स के ऊपर अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के अंकल आमिंग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ ये जो वापस से लिटिल स्नो एम्प्रेस में बदल गई, और चलो अब इधर आ जाओ अंकल तुम्हें लेंगे। लेकिन स्नो एम्प्रेस अंकल आमिंग को वापस से बर्फ में जमा देती है। और अंकल डामिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि यह इन 4 रिंग्स को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को रिकवर कर रही है। और युहाओ कहता है, अब मैं समझ गया हूँ, बैटल के दौरान स्नो एम्प्रेस डायरेक्टली अपनी एनर्जी को इन रिंग्स से इस्तेमाल करेगी, ना कि मुझसे, और हमें तो बस एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जरूरत होगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। जिस पर अंकल दामिंग कहते हैं, हाँ इस तरीके से बेसिकली तुम दोनों मिलके एक साथ लड़ सकते हो, और हाँ मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रही है, और तो और इस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स पोरली ब्लड लाइन लेवल पर हो रही है, इसलिए प्रोसेस के दौरान ज्यादा कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे।
लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी बड़ा बूस्ट देता है, और जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो उससे तुम अपने 40 एज के होने तक एक ग्रैंड सोल मास्टर बन जाओगे। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि अंकल दामिंग मेरे बारे में इतना हाईली सोचते होंगे। और इसी से युहाओ काफी खुश होता है और यह स्नो एम्प्रेस को किस करते हुए कहता है, ऑसम थैंक यू स्नो एम्प्रेस। और किस के बाद स्नो एम्प्रेस बड़े प्यार से अपने गालों को साफ करने लगती है और इसे ऐसा करता देख युहाओ हंसते हुए कहता है, तुमने तो मुझे पापा कहा था ना, तो क्या मैं इतना गंदा हूँ। और इस चीज को देख कर आमिंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यह तो कितना क्यूट है, चलो अब एक ग्रैंडपा को भी किस लेने दो और फिर मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहो। लेकिन स्नो एम्प्रेस वापस से इसे बर्फ में जमा देती है और ई आया करने लगती है। और अंकल आमिंग कहते हैं, लिटिल गर्ल क्यों तुम अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो, युहाओ आखिर यह क्या कह रही है। तो युहाओ हंसते हुए कहता है, यह आपको मनहूस कह रही है। और इस चीज को सुनकर अंकल दामिंग भी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि आमिंग का मुंह उतर जाता है और यह कहते हैं, लिटिल गर्ल ये फेयर नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती जो मैं अगली पैदा हुआ था। तो स्नो एम्प्रेस वापस से ई आया करने लगती है। अंकल आमिंग कहते हैं, अब इसने क्या कहा। तो युहाओ कहता है, अंकल ये सुनने के बाद आप गुस्सा मत होना। तो अंकल आमिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस छोटी सी बच्ची से इतनी आसानी से गुस्सा हो जाऊंगा। तो युहाओ कहता है, ये कह रही है कि यह आपकी गलती नहीं है कि आप बदसूरत हैं, बल्कि आपकी गलती यह है कि आप यहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं। और इस चीज को सुन के अंकल आमिंग का मुंह पूरा उतर जाता है और यह कहते हैं, ठीक है इस बार ही तुम जीती, मतलब कि स्नो एम्प्रेस की बातों से इन्हें गुस्सा आ गया है। और इस चीज से हमारी स्नो एम्प्रेस काफी खुश होती है। और फिर अंकल आमिंग कहते हैं, मैं सच में इस पर गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, बस ये काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर यह अंकल युहाओ के पास जाके कहते हैं, ये कितनी ज्यादा क्यूट है ना ओल्डर ब्रदर, मैं इसकी क्यूटनेस को और नहीं झेल सकता हूँ, और यह वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और कौन ही जानता है कि सोल्स भी ऐसी हो सकती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी ऐसी ढूंढने में, क्योंकि मुझे भी इस जैसी एक चाहिए। तो अंकल दामिंग कहते हैं, यह उतना भी आसान नहीं है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डिमांड करोगे और मैं एक ले आऊंगा, और इसके अलावा तुम कहाँ ढूंढने वाले हो स्नो एम्प्रेस जैसी इतनी ज्यादा सुंदर ह्यूमनॉइड सोल बीस्ट को, और तुम्हारा अभी का काम युहाओ की मदद करना है उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में, और इसके लिए युहाओ भी मान जाता है। तो आमिंग इसके पास आके खुश होते हुए कहते हैं, युहाओ चलो चल के एक दो हाथ करते हैं। और अंकल आमिंग खुश होते हुए मन ही मन कहते हैं, लड़के मैं इस लिटिल गर्ल को तो हट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब तुम इसके फादर हो तो मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। और इनके इरादों को युहाओ भी समझ जाता है और यह घबराते हुए कहता है, अंकल ताए आप कमजोर को तो बुली नहीं करते हैं ना। और युहाओ की इस बात को सुनकर अंकल आमिंग कहते हैं, क्या बैटलफील्ड के अंदर लोग तुम्हारे साथ अपनी एज को डिस्कस करेंगे, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम छोटे हो, तो वाकई तुम पर रहम दिखाएंगे, और अगर तुम बेहतर में भी सबसे बेहतरीन बनना चाहते हो तो तुम्हें 0 मीटर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और चलो अब चलते हैं। और जाने से पहले लिटिल स्नो एम्प्रेस अंकल आमिंग को एक बार और बर्फ में जमा देती है, और इस चीज को देख के इन्हें रोना आ जाता है। और युहाओ यहाँ से जाते हुए कहता है, अंकल मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। और जब ये सभी लोग ही बाहर आ जाते हैं, अंकल आमिंग युहाओ को देख के इविल तरीके से काफी गुस्से से हंसते हुए मन में कहते हैं, पिद्दी लड़के बस तुम देखते जाओ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें कितनी आसानी से कुचल के रखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यह सभी लोग ही युहाओ का टेस्ट लेने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर दामिंग कहते हैं, युहाओ तुम अपना पूरा जोर लगा सकते हो, जबकि आमिंग सिर्फ जवाबी कार्यवाही में अपनी लिमिटेड स्ट्रेंथ को ही इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि यह किसी भी तरीके से अपने स्प्रिट एजेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर यह ऐसा करता है तो यह इसकी हार मानी जाएगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ मान जाता है और मन में कहता है कि अगर मैंने इन्हें अपनी स्प्रिट एजेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया तब भी मैं इनसे जीत जाऊंगा। जबकि आमिंग मन में कहते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी स्पिरिट एजेंट्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तब भी तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ पिंच ही कर सकते हो। और फिर यह युहाओ को आ जाने का इशारा करते हैं और फिर यह हिविल तरीके से हंसते हुए कहते हैं, आ जाओ बच्चे। और यह जो इतना प्रेशर युहाओ के ऊपर डाल रहे होते हैं, इसलिए युहाओ को अपनी सारी सोल रिंग्स को बाहर निकालना पड़ता है। और आमिंग युहाओ बी की सोल रिंग्स को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर इसकी इस व्हाइट सोल रिंग के साथ क्या चल रहा है, और ये तो बिल्कुल भी सिर्फ 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग नहीं हो सकती है। और तभी युहाओ जंप लगा के इनके सामने आ जाता है और इन पर पंच करते हुए कहता है, अंकल आमिंग आपको बैटलफील्ड में से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए,
और इतना कह के युहाओ इनके ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच कर देता है। और इस अटैक को देख के अंकल आमिंग थोड़े से हैरान होते हैं और यह कहते हैं कि यह काफी बढ़िया है। और युहाओ के इस पंच की वजह से यहाँ पर काफी तगड़ी शॉक वेव्स निकलती है और इनकी बैटल को अंकल डामिंग भी काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। जबकि इस तरफ आमिंग ने बड़े ही आराम से युहाओ के इस पंच को रोक लिया होता है, जिसके बाद ये बड़े ही आसानी से युहाओ को पीछे वापस से थ्रो कर देता है और कहता है कि यह पंच काफी बढ़िया था और अब ये जरा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा है और चलो अब तुम वापस से आ जाओ। और फिर युहाओ गेज ऑफ डेस्टिनी के इवॉल्व वर्जन को इस्तेमाल करता है और इससे आमिंग के ऊपर सिंगल बॉडी बिगनिंग एडिशन को इस्तेमाल करता है और एक तरीके से युहाओ का यह अटैक अंकल आमिंग को हिट कर देता है। और युहाओ के ये सारे जो अटैक इनके हिट किए थे, इसलिए युहाओ खुश होता है। और हम देखते हैं कि युहाओ के ये सारे अटैक्स अंकल आमिंग के ऊपर पूरी तरीके से बेअसर होते हैं। और फिर अंकल आमिंग वापस से युहाओ को आ जाने के लिए कहते हैं और युहाओ मन में कहता है, हमारे कल्टीवेशन में जो गैप है वह काफी ज्यादा है और मेरी इन टेक्निक से इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और फिर युहाओ आइस एम्परर की प्रोटेक्शन और आइस एम्परर के क्लो और शेडो इल्यूजन का इस्तेमाल करता है और अंकल डामिंग भी युहाओ के शेडो इल्यूजन सटेप को पहचान जाते हैं। और इस तरफ युहाओ वापस एक काफी ऊंची जंप लगा लेता है और मन में कहता है कि अगर मुझे बस इन्हें अपनी स्पेट एजेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना है तो फिर मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। और फिर युहाओ इनके ऊपर शेडो गोल्ड टेराक्लो से एक काफी खतरनाक अटैक का देता है और युहाओ के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को ब्लॉक करने के लिए अंकल आमिंग बस अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है कि यह तो इसे ब्लॉक करने के लिए अपने सिर्फ हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह तो शेडो गोल्ड टेराक्लो का कंप्लीट जोर है, वो भी पूरी ताकत का। और फिर युहाओ चिल्लाते हुए इनसे कहता है, अंकल आमिंग थोड़ा केयरफुल रहना। और जैसे ही युहाओ का इनके अटैक लगता है तो यहाँ पर काफी तगड़ी शॉक वेव्स निकलती है और यहाँ इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बाद भी अंकल आमिंग का बाल भी बाखा नहीं होता है और यह कहता है, बदमाश अब तुम्हें मेरे कपड़ों का भी हजारा देना होगा। और इस तरफ युहाओ परेशान होते हुए सोचता है, ऐसा दिखता है कि मैं बिना वजह ही चिंता कर रहा था। और अंकल डामिंग कहते हैं, यह क्या ही बच्चा है जो ये कॉम्बैट के अंदर अपने अपोनेंट की परवाह कर रहा है। और तभी युहाओ अपनी क्रिम्सन रेड सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है और काफी खतरनाक तरीके से रेज ऑफ द आइस एम्परर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से चारों तरफ बर्फ सी गिरने लगती है। और अंकल आमिंग कहते हैं, सब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और युहाओ मन में कहता है, बिल्कुल सही, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और इस्तेमाल करने के लिए। और इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स के बाद भी आमिंग को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि अंकल डामिंग मन में कहते हैं, इन दोनों की स्किल्स के बीच में वाकई में काफी ज्यादा अंतर है और वर्तमान का युहाओ सेकंड ब्रदर को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं कर सकता है। लेकिन तब भी वो पंच काफी ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ, मोमेंटम और सोल पावर का कंबाइन अटैक था और वोंगडोंग ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि वो इसे नहीं हरा सकता है। और युहाओ अंकल आमिंग के पास आके कहता है, अंकल आमिंग मैं हार गया हूँ और मैं आपकी तुलना में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और युहाओ को ऐसे झुकते हुए हार मानते हुए देखे स्नो एम्प्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये थोड़ी सी गुस्सा होती है। तो युहाओ इससे कहता है, कोई बात नहीं लिटिल स्नो एम्प्रेस, हमारी और आमिंग की एबिलिटीज के बीच में जो गैप है वह काफी बड़ा है, तो इनसे हारना तो नॉर्मल सी बात है। तो स्नो एम्प्रेस इया इया करने लगती है और इस चीज को सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है चलो अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं अब करूंगा। और युहाओ फिर अंकल आमिंग से कहता है, अंकल एक बार और एक दो हाथ करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।